मारुति सुजुकी ऑल न्यू डिजायर का लॉन्च बहुत नजदीक है, बट लॉन्च के पहले ही गाड़ी की फुल्ली लीक्स रिवील हो चुकी है। हालांकि रोड टेस्ट के दौरान कैमोफ्लेज के साथ तो ये गाड़ी काफी हद तक स्विफ्ट से इंस्पायर्ड लगती थी, बट विदाउट कैमोफ्लेज तो कहानी बिल्कुल अलग ही है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ऑल न्यू डिजायर के कुछ इमेजेस लीक हुए थे जिसमे पूरी गाड़ी विदाउट कैमोफ्लेज की खड़ी थी, जिसे आप खुद भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, और आपको ये गाड़ी काफी हद तक अमेज की भी याद दिला रही होगी। अब अगर इस इमेज के अकॉर्डिंग इसके लुक्स पे ध्यान दें तो फ्रंट में आपको न्यू बिगर ग्रिल मिलता है विद 6 हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स, जिसमें टॉप पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है एंड बॉटम पे एयर डैम भी ग्रिल के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है। सिल्वर कलर्ड स्किड प्लेट भी अवेलेबल है एंड फॉग लैम्प भी है, जिसकी प्लेसिंग भी काफी बढ़िया तरीके से की गई है। ऊपर में आपको न्यू LED हेडलैम्प मिल जाता है विद LED DRLs, और इसका डिजाइन भी स्विफ्ट से अलग है। इससे पहले तक स्विफ्ट एंड डिजायर ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ करती थी, बस कुछ छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस ही किए जाते थे, लाइक ग्रिल, एलॉय व्हील्स एंड लिटिल मोर चेंजेस। बट अब यहाँ पे आपको दोनों ही गाड़ियों में अलग वाइब मिला करेगा। इसके बाद अगर साइड डिजाइन पे आए तो यहाँ पे आपको न्यू एलॉय व्हील्स मिलेगा 15 इंचेस का, सिल्वर कलर्ड स्किड प्लेट है, और VM पे आपको कैमरा भी दिख रहा है, इसका मतलब 360 डिग्री कैमरा भी आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। अब डोर हैंडल्स वही है, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इन सेगमेंट सनरूफ भी आप देख ही सकते हो इसके रूफ पे, एंड शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। बाकी रही बात रेयर डिजाइन की, तो यहाँ पे भी काफी ह्यूज चेंजेस किए गए हैं, बट क्लियर इमेजेस ना होने की वजह से एक एक डिफरेंस पता करना अभी मुश्किल है। अब भले ही इस गाड़ी का रेयर डिजाइन अभी क्लियरली ना आया हो, बट एक बात जरूर कहा जा सकता है, कुछ लोग जो स्विफ्ट एंड डिजायर के सेम लुक से बोर हो चुके थे, उन कस्टमर्स को भी अब डिजायर अट्रैक्ट कर पाएगी, तो इस वजह से इस गाड़ी का हाइप एंड सेल्स दोनों ही इंक्रीज होने वाला है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये जो अमेज की याद दिला रही है तो उसकी वजह से भी कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, बट गाड़ी अभी रिवील हुई नहीं है तो इस वजह से हमें वेट करना चाहिए। जब कंपनी ऑफिशियली रिवील करेगी तब पता चलेगा क्या मामला है, कैसी दिख रही है और कितने लोगों को पसंद आ रही है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस गाड़ी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पावर ट्रेन के बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी में अब आपको नया इंजन मिलने वाला है, जो कि है 1.2 लीटर Z सीरीज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो गाड़ी को 82 हॉर्स पावर एंड 112 Nm टॉर्क डिलीवर करेगी। कंपनी यहाँ पे आपको 5-स्पीड मैनुअल एंड AMT ट्रांसमिशन ऑफर करने वाली है, एंड फ्यूचर में आपको इसका CNG ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा सेम इंजन ऑप्शन के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस गाड़ी के केबिन पे मूव करते हैं। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं ऑल न्यू डिजायर का डैशबोर्ड, ये सेम वही डैशबोर्ड है जो स्विफ्ट में मिलता है, बस थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं एंड कलर चेंजेस किए गए हैं ताकि थोड़ा रिफ्रेशिंग फील हो, कुछ नया सा लगे इस गाड़ी में। बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 9-इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक AC, वायरलेस फोन चार्जर, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन विद स्मार्ट की, रेयर वाइपर एंड वॉशर, लगेज रूम लैंप, ऑटोमेटिक हेड लैंप विद लीड मी टू व्हीकल एंड फॉलो मी होम, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल OR VM, 360 डिग्री कैमरा, 60-40 स्प्लिट रेयर सीट्स, रेयर टाइप ए एंड टाइप सी पोर्ट, सुजुकी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी एंड कुछ और भी फीचर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे डिजायर में। हो सकता है हेड अप डिस्प्ले भी मिल जाए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सनरूफ तो आ ही चुका है इसमें, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। इसके बाद सेफ्टी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे लेकर अभी मारुति सुजुकी काफी ज्यादा ट्रोल भी हो रही है। अब भले ही इसमें आपको क्रैश टेस्ट रेटिंग जो भी मिले, बट यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर्स ठीक ठाक मिल जाते हैं, जिसमें 6 एयरबैग, ABS विथ EVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ISO फिक्स चाइल्ड सीट, डे नाइट IRVM, 3-पॉइंट सीट बेल्ट एंड और भी कुछ फीचर्स शामिल है। तो ये कुछ चीजें थी जो ऑल न्यू डिजायर के बारे में मुझे शेयर करना था। ये गाड़ी आपको बहुत जल्द ही इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख जाएगी, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 7.5 लाख रुपीज के आसपास स्टार्ट हो सकता है, जो कि टॉप मॉडल के लिए हो सकता है एक्सपेंसिव पड़े 10-15,000, क्योंकि कुछ नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे टॉप मॉडल में। तो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।